गया के बाराचट्टी इलाके में नक्सलियों के दो गुटों ने आपस में की गोलीबारी। घटना में नजरपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि वीरेंद्र यादव को लगी गोली, वहीं मुखिया समर्थकों के द्वारा भी की गई जवाबी कार्रवाई। जमुई जिले में नेहरू युवा केंद्र भारत सरकार के द्वारा आयोजित की गई बैठक। बैठक में सदस्यों को आगामी कार्यक्रम की गाइडलाइंस को पालन करने का दिया गया निर्देश। इस मौके पर विवेक सिन्हा, रोहित सिंह सहित अन्य पदाधिकारी रहे उपस्थित। आज जो हमारी बैठक हुई है, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हमारी जो भी कार्य योजनाएं पूरे वर्ष भर के लिए है, उसे हम किस प्रकार से मूर्त स्वरूप देंगे, किस प्रकार से उसे पूरा करना है, बस उसी के लिए बैठक थी। हर एक प्रखंड में हमारे NYB हैं, 20 NYB फिलहाल नियुक्त हैं, वो अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए जो भी हमारा काम है उसको पूरा करें। अभी जो नेहरू युवा केंद्र के तरफ से गाइडलाइंस ऊपर से यूथ कोऑर्डिनेटर ने दिया है, उसमें है कि यूथ क्लब को डेवलप करना है। जमुई के सभी प्रखंड में 50-50 गांव में यूथ क्लब को डेवलप करेंगे हम लोग। कैमूर के भभुआ में लगातार बढ़ रहा अपराधियों का हौसला। भभुआ में घर के दरवाजे पर खड़ी वृद्ध महिला से दबंगों ने छीना गले का चैन। बाइक सवार दो बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। CCTV में कैद वीडियो के आधार पर छानबीन में जुटी पुलिस। छीन के चोट देना गाड़ी स्टार्ट कैले रहसन, भाग गेले सन, हम गाड़ी देले बने तो बाइक रेज में गाड़ी ले गई बड़ा। पूर्णिया में जारी है चोरों का आतंक। खजांजी थाना क्षेत्र के सनराइज स्कूल कैंपस में बिजनेसमैन के घर में हुई लाखों की चोरी। छठ के मौके पर घर से बाहर था पूरा परिवार। इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस पर भी उठ रहे सवालिया निशान। बाढ़ के अथमल गोला के चंदा गांव में पति ने की पत्नी की गोली मारकर हत्या। आसपास के लोगों का दावा, आपसी विवाद के कारण हुई घटना। घटना के बाद से फरार चल रहा है पति। वहीं मामले की सूचना पाकर छानबीन में जुटी पुलिस। का बाप हुआ, वो थे, उसका मम्मी था लड़का का। पहले ये बताइए क्या घटना घटी है? क्या घटना, वो कल आई थी बच्चा का इलाज कराने के लिए। PMCH इलाज हो रहा था, बच्चा की तबीयत खराब था तो इलाज कराने आई थी, तो रात में यहाँ रह गई, लेट हो गई, तो ट्रेन से आई, तो फिर सुबह चाचा छठ करते थे तो रह गए घर, फिर लेट से वहाँ गए तो गोली मार दिया।